सो गाइस लुक ऑफ द डे तैयार हो गए। अब चलते हैं बाबा जी का दर्शन लेने। और अमृतसर में हम तो पहले बाबा जी का दर्शन, फिर देखेंगे कहाँ पे जाना है हमको, वहाँ दर्शन करेंगे गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल में। गोल्डन टेम्पल में दर्शन अपने बाबा जी का, देन उसके बाद कहीं और फिर चलते हैं। सारा सामान बिखरा पड़ा है। लुक ऑफ द डे और हमने एक ऑटो बुक की है आज के लिए। ये हमारी ऑटो है जो हमारे पूरे शाम तक रहेगी, हमारे साथ में रहेगी और हमें हर जगह घुमाएंगी। और ये हमारे साथ है, आपका नाम बता दीजिए। सोनू। सोनू सोनू जी है और ये हमको घुमाने वाले हैं। ये है उनकी ऑटो है, तो चलते हैं बाबा जी का दर्शन लेने। तो ये हमारी ऑटो और स्टार्ट ये है। हमें बचाएंगे। सो गाइस यहाँ पे आ गए हैं, गुरुद्वारे सामने ही है। हमने घूम लिए बाबा जी का दरबार, चलते अंदर रंग पंजाब। यही है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पे अमृतसर। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने मिल रही है और काफ़ी साफ सुथरी जगह है। ज़्यादा गंदा विंदा कुछ नहीं है यहाँ पे, पूरी क्लीन है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मैं यहाँ पे। और ये है 70, 80, 80, 90 और क्या खूबसूरत लग रहे हैं यार। क्या फाउंटेन है यार। यहाँ पे काफी छोटी मोटी दुकानें भी हैं। आज का तो दिन है, वो तो हमें घूमना ही है। कल फिर आएंगे बाबा के अवध दर्शन लेने। तो दो दिन फुल मजे पंजाब अमृतसर में बाबा के पास। मैकडॉनल्ड्स यहाँ भी है। ये है अंदर से जलियांवाला बाग है, सेम वैसा ही है बट सामने ही है हमारे बाबा जी। स्वर्ण मंदिर है सामने, दिख रहा होगा आपको। यहाँ से आने के बाद वापस जाएंगे जलियांवाला बाग, वहाँ पे भी दिखाएंगे आपको कैसा है यार। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी आने के बाद, और बाबा जी के दर्शन लेने के बाद तो और भी अच्छा लगेगा। तो लेंगे दर्शन, पहुंच गए। यहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स भी हैं अवेलेबल, यहाँ पे आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो यहाँ के हिस्ट्री के बारे में। यहाँ से जूतों का तार है, यहाँ पे आप जूते वीते रख सकते हो। यहाँ पे सब लोग ने अपने जूते रखे हैं, पहले आते ही आपको शूज अपने रखने हैं यहाँ पे, फिर आगे जाके दर्शन करने हैं। सो यहाँ पे हमने जूते निकाल लिए हैं। यहाँ पे आपको देना रहता है, देन आपको ये शायद एक टोकन देंगे जिसको आपको संभाल के रखना है।
सो यहाँ पे हम लोगों ने अपने जूते रख दिए। कतार नंबर 9 है जूता घर। तो ऐसे इन्होंने हमारे जूते लेने के बाद 428 नंबर दिया है। और यहाँ से हमें जाएंगे अंदर की ओर। चलेंगे, हाथ धोते हैं अपने, देन उसके बाद आगे जाएंगे मंदिर में। और शूज़ वीज हम लोगों ने वहाँ रखे, वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे। हाथ भी धोने के बाद अंदर यहाँ की ओर जाएंगे। सो यहाँ से अभी हम लोगों ने हाथ धो लिया और अब चलेंगे यहाँ पे। आप एंटर करोगे तो ही आपको ये चीज़ है, पैर वीर धुल जाती है आपकी। सो गाइज ये है खूबसूरत मंजर। खूबसूरत मंजर। सो गाइज काफी लंबी लाइन है यहाँ पे। गाइज काफी खूबसूरत मंजर है। सो गाइज यहाँ पे हमारे दर्शन हो गए हैं और फिर अब जा रहे हैं जलियांवाला बाग देखने, वहाँ पे चलते हैं। फिर वहाँ का कैसा है व्यू और क्या कैसा है सब मैं आपको शो। सो हेलो गाइज, यहाँ पे बाबा जी के दर्शन हो गए हैं अच्छे से हमारे, और अब जाएंगे जलियांवाला बाग देखने और वहाँ पे देखते हैं कैसा था मंजर उस टाइम का, सब वहाँ पे है तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे मिलते हैं आपसे। निकले बाबा जी का दर्शन लेके और अब यहाँ पे है जलियांवाला बाग, यहाँ जाएंगे और देखेंगे अंदर का कैसा है नज़ारा मंजर। हम लोगों ने एंट्री किया, हम लोगों ने एंटर किया और यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है, थोड़ा पढ़ रहे हैं हम। सो गाइस आगे हैं जलियांवाला बाग, तो यहाँ से हैं, यहाँ से जाते हैं, यहाँ से एंट्रेंस है अंदर जाने के लिए। काफ़ी खूबसूरत है पूरी हिस्ट्री दिखाई गई है यहाँ पे। कितनी उम्र हो गई इनकी, पूरी हिस्ट्री यहाँ पे दिखाई जा रही है। Horses were choked, the roots of the pond were broken, and the eggs dried. Such were the things naturally in the For Sunday, next Sunday,
यार यहाँ की हिस्ट्री बहुत ही खतरनाक है यार। यहाँ पे हॉल नंबर 2 में जाते हैं और यहाँ पे देखते क्या है बताया जा रहा है। यहाँ पे मुकाबला कर रही हिंदू मुस्लिम एकता को उत्साहित कर रहे इस दौरान ओडायर ने अमृतसर के आदेश दे देते 10 अप्रैल 1919 10 अप्रैल उनकी डॉक्टर सैफुद्दीन किचन डॉक्टर सत्यपाल अति होम नेताओं की गिरफ्तारी ने पूरे यहाँ से काफ़ी यहाँ पे प्रोजेक्टर्स पे हिस्ट्री बताई जा रही है पंजाब की और वहाँ पे भी हिस्ट्री देख रहे थे। ये एक पूरी हिस्ट्री लैब है हिस्ट्री देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर। तो यहाँ से निकलते हैं, अब बाहर निकले हैं और काफी अच्छा लगा यहाँ का हिस्ट्री देख के। यार क्या थे उस क्या था वो दिन यार सीरियसली। सो यहाँ से गाइस निकले, अब सामने जो हुआ था यही है जलियांवाला बाग और यहाँ पे कुछ लिखा है, मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ एक मिनट देख लो गाइस। देशभक्ति के सॉन्ग्स बज रहे हैं, सुनाए हिंदुस्तान की स्मार्ट पे खेले हिंदुस्तान की वंदे मातरम। और ये है कुआ, दिख रहा है कुआ, अच्छा जिसमें कूद के मरे हैं। So please do not throw money in this pool, ठीक है? आ रहे, चलो। वहाँ से मैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग देखो। तो यहाँ पे हर जगह पे आपको देशभक्ति के सॉन्ग सुनने के लिए मिलेंगे और आप यहाँ आओ, यहाँ की हिस्ट्री देखो, बहुत ही आपको अच्छी लगेगी। हिंदुस्तान का हिस्ट्री है, अच्छी क्यों नहीं लगेगी। और यहाँ पे भी कुछ दिखाया जा रहा है, देख लो। You thought it would be the right thing in order to save the British Raj. That is what you thought. So यहाँ पे भी वही सेम हिस्ट्री दिखाई जा रही है जो हम लोगों ने देखा अभी। और ये सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पे आने के बाद देखने के लिए मिलेगी। आपको कुछ पता नहीं है तो भी यहाँ पे आप आओ तो आपको नॉलेज मिल जाएगी कि कैसा था यहाँ का हिस्ट्री, क्या क्या हुए यहाँ पे, कितने जुल्म हुए यहाँ के लोगों पे, वो सारे हिस्ट्री यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो गाइस इस दीवार का भी एक अपना एक अलग ही इतिहास है। ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हो ना, ये इस बॉक्सेस पे बिना परमिशन 36 गोलियाँ चलाई गई थी और हर जगह पे आपको एक जो वाइट कलर का बॉर्डर मारा हुआ है वो है गोलियों के निशान। यहाँ यहाँ गोलियाँ चली थी, कुल टोटल 36 गोलियाँ चलाई गई थी
यहाँ का अलग ही अपना इतिहास है यार। तो काफ़ी खूबसूरत रहा, बाबा जी के दर्शन किए और जलियांवाला बाग देखा, हिस्ट्री देखी, बहुत ही अच्छा लगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। और कहाँ जाते हैं, यहीं से हम जाएंगे, लेकिन अब यहाँ से नेक्स्ट व्लॉग रहेगा, जहाँ का रहेगा वो मैं प्रॉपर पूरा शूट करूँगा, आपको भी दिखाऊँगा, थोड़ा मैं भी यहाँ के हिस्ट्री के बारे में पता करूँ और अच्छे से, ताकि इन फ्यूचर अगर मैं सेकेंड टाइम आऊँ तो तुम्हें भी अच्छे से दिखाऊँ। तो बाय।